हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हिमाचल चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड बैठक, सिलाई मशीन और उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी, सीएम ने की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को धर्मशाला में आयोजित हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अनुसूचित जाति से संबंधित परिवारों को उपकरणों की खरीद पर अनुदान राशि 1300 रूपए से बढ़ाकर 5000 रूपए और सिलाई मशीनों की खरीद के लिए अनुदान राशि 1800 से बढ़ाकर 5000 रूपए करने की घोषणा की, ताकि इन समुदाय के लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके। 3 माह के बच्चे सहित 7 की बात, 816 नए मामले। हिमाचल में कोरोना के मामलों में कमी आने लगी है, लेकिन कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 816 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन राहत की बात यह है कि 2470 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। हिमाचल में 7 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। हिमाचल में आज दिन तक 2,75,496 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 2,63,929 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। हिमाचल में 4,009 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। प्रदेश में मौजूदा समय में 7,539 एक्टिव केस रह गए। भारी बर्फबारी से सड़कें, पैदल रास्ते बंद, कहर बनकर टूट रहे पेड़। भारी बर्फबारी ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। शहरों में मुख्य सड़कों के अलावा नगर निगम की सभी संपर्क सड़कें बंद हैं। बर्फ से लकदक हुए पेड़ कहर बनकर टूट रहे हैं। शुक्रवार शाम 12 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। वन विभाग ने शनिवार को भी शहर में पेड़ ढहने की आशंका जताते हुए अलर्ट रहने को कहा। जाखू, बैनमोर, चौड़ा मैदान, लक्कड़ बाजार, संजौली समेत कई इलाकों में पेड़ों पर भारी बर्फ जमी है। भारी बर्फबारी के चलते राजधानी में हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों को जोड़ने वाली सड़कें तक बंद पड़ी हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 9 मार्च से, प्रस्तावित शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूल्स की मार्च माह में 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं लेगा। इन परीक्षाओं को लेकर बोर्ड प्रस्तावित डेट शीट जारी की है। बोर्ड की ओर से जारी की गई डेट शीट के मुताबिक 3री कक्षा की परीक्षाएं 10 से 19 मार्च तक होंगी, वहीं 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 11 से 21 मार्च तक चलेंगी, जबकि 8वीं कक्षा की परीक्षाएं बोर्ड 9 मार्च से लेकर 25 मार्च तक सुबह 10:45 से दोपहर 1 बजे तक करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि मेला 5 और 8 मार्च को निकलेगी भव्य जले। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला मंडी 2022 को देव परंपरा के अनुरूप पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। 2 से 8 मार्च तक मनाए जाने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। वो 2 मार्च को प्रथम जलेब की अगुवाई करेंगे। मध्य जलेब 5 मार्च को निकाली जाएगी। तीसरी और अंतिम जलेब में 8 मार्च को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शामिल होंगे। ऊना हमीरपुर रेल लाइन के लिए केंद्रीय बजट में फिर मिले मात्र 1000 रूपए। केंद्र सरकार ने आम बजट में हिमाचल को 3 रेल लाइन के लिए भले ही 1685 करोड़ देने का प्रावधान किया हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट ऊना हमीरपुर रेल लाइन को इस बार भी जिंदा रखने के लिए मात्र 1000 रूपए ही मिले हैं। बीते साल भी इतनी ही राशि मिली। उत्तर रेलवे ने साल 2017-18 के बजट में इस परियोजना को शामिल किया था। HPSSC ने जारी किया इस पोस्ट कोड का फाइनल रिजल्ट, जाने कितने सफल हुए। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 849 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। इसमें 5 लोगों को जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिली है। बता दें कि ये 5 पद अनुबंध आधार पर जल शक्ति विभाग में भरे गए। रिजल्ट निकाले जाने की पुष्टि आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने की। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए 3,964 अभ्यर्थियों के आवेदन आए थे, इनमें से 3,309 स्वीकार किए थे। पदों को भरने के लिए 18 जुलाई 2021 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। 1,982 ने परीक्षा दी थी, साथ ही 1,327 गैर हाजिर रहे थे। शिमला में बर्फबारी के कारण जगह जगह गिर रहे पेड़, पैदल चलने वाले मार्गों पर बढ़ा खतरा। शिमला में 2 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई। राजधानी शिमला की सड़कें जहां पहले से ही बंद थीं, तो वहीं पैदल चलने वाले मार्गों पर भी पेड़ गिरने से लोगों पर खतरा मंडराने लगा है। जानकारी के अनुसार हिमलैंड के पास पैदल चलने वाले मार्ग पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया। ढांक से गिरकर व्यक्ति की मौत, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर शव रखकर किया प्रदर्शन।
वीरवार देर रात उपमंडल स्वारघाट में हिमाचल पंजाब सीमा के निकट ग्राम पंचायत री की गांव गरा में ढांक से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 66 वर्षीय व्यक्ति राम आसरा निवासी गरा अपने घर जा रहा था कि बारिश में ढांक से पैर फिसलने से वो करीब 200 मीटर नीचे नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर जा गिरा। लोकसभा में गूंजा हिमाचल में गरीबों के मकान की मदद राशि बढ़ाने का मुद्दा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने संसद में मामला उठाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, यहां एक घर बनाने को 1,30,000 रुपए की राशि 90:10 में आवंटित की जाती है। ये धनराशि इस काम के लिए पर्याप्त नहीं। प्रदेश में भवन निर्माण सामग्री पंजाब और हरियाणा से लाई जाती है। एक रेत की ट्रॉली 1,500 से 2,000 रुपए तक पड़ती है, सीमेंट की एक बोरी 400 रुपए। साथ ही वो बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण साइट डेवलपमेंट के लिए भी हिमाचल में बड़ा खर्च आता है। अयोध्या से पकड़ा एक और सप्लायर, अब तक 20 गिरफ्तारियां। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में जहरीली शराब के मामले में एसआईटी ने एक और सप्लायर को अयोध्या से गिरफ्तार किया। आरोपी रविंद्र उर्फ रवि मंडी जिले के सलापड़ का रहने वाला है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, यहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि 19 जनवरी को जहरीली शराब में 7 लोगों की मौत के बाद वो गायब था। कुर्सी पर डंडों के सहारे उठाकर सड़क तक पहुंचाई बुजुर्ग महिला। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के दुर्गम क्षेत्रों के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करना पड़ रहा है। सड़क और स्वास्थ्य सुविधा न होने से ग्रामीणों को परेशान होना पड़ता है, खासकर बीमारी के हालत में इनकी समस्या दुगनी हो जाती है। लग घाटी के समान लंग गांव में बुजुर्ग महिला को अचानक पेट दर्द होने के कारण परिजनों ने उसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू ले जाने का फैसला किया। ग्रामीणों की मदद से महिला मरीज को डंडों के सहारे कुर्सी से बांधकर सड़क तक लाना पड़ा। भारी बर्फबारी के बीच मरीज को 2 फीट बर्फ और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से सड़क तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लग गया। कालंग से निजी वाहन के माध्यम से मरीज को कुल्लू अस्पताल लाया गया। हालांकि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।